रात के ठीक 11:10 हुए थे। इस वक्त जहां शहर के सभी लोग अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं और कुछ लोग इंटरनेट पर लगे होते हैं, वहीं अपने कमरे में अकेला बेड पर लेटा दिवांश करवटी बदल रहा था। उसकी नजर अपने बराबर में लगे दूसरे खाली तकिए पर पड़ी और उसको रेणुका की याद आ गई। दोनों की जिंदगी शादी के बाद बहुत ही अच्छी कट रही थी, लेकिन 2020 का वो दौर जिसने ना जाने कितने परिवारों को खत्म किया और ना जाने कितनों को कंगाल किया, सिर्फ उसी की वजह से दोनों की जिंदगी में ये बदलाव आया। दिवांश की जॉब चले जाने के बाद उनको बहुत परेशानियों से गुजरना पड़ा और मजबूरी में अब दिवांश जिस कंपनी में काम कर रहा था वहां उसको अपनी पिछली सैलरी से आधे पैसे मिल रहे थे। इस चीज को लेकर दोनों में रोजाना झगड़ा हुआ करता। और एक दिन रेणुका दिवांश को छोड़कर मायके चली गई। दिवांश ने खुद को उसकी यादों से निकाला और तकिए के पास रखा अपना मोबाइल उठाया। कॉल करने की हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन उसने मैसेज टाइप किया। दूसरी तरफ से जवाब आया। पढ़कर दिवांश को गुस्सा आने लगा और उसने मोबाइल साइड में फेंक दिया। जिस बीवी ने साथ फेरे लेने के बाद भी सिर्फ इसलिए मुझे छोड़ दिया क्योंकि मेरी जॉब अच्छी नहीं रही, ऐसी बीवी का फायदा भी क्या, कहकर दिवांश बेड से उठा। और कवर्ड से उसकी वो किताब निकाली जिसके बारे में शादी से पहले उसने कसम खाई थी कि चाहे कितनी भी परेशानी आए जिंदगी में उस किताब का इस्तेमाल नहीं करेगा। अगली रात तकरीबन 12 बजे दिवांश शहर की सबसे बड़ी और डरावनी दिखने वाली शमशान की पीपल पेड़ के नीचे केवल एक कपड़ा पहने हुए बैठा था। उसके सामने कुंड जल रहा था जिसके इर्द गिर्द उसके साथ लाई हुई सामग्री रखी हुई थी, एक पीतल का कलश, एक काला मुर्गा, एक काले धागे की गुच्छी और उसके पास एक तेज धार वाला चाकू। वो बड़ी शांति से इन मंत्रों का जाप कर रहा था और रात के सन्नाटे में उसको कभी कुत्तों के रोने की आवाज आती तो कभी भटकती आत्माओं की। इस आदमी को हटाओ, इस आदमी को जान से मार डालो, इसका सीना चीर कर इसका दिल निकाल लो। उसके कानों से बहुत ही भयानक आवाजें टकरा रही थी, लेकिन वो साधना करने में लीन था क्योंकि उसने किताब में ये पहले ही पढ़ लिया था कि जब वो साधना करेगा तो पूरी आत्माओं के जरिए यक्षिणी उसकी परीक्षा लेगी। 4 बजे तक मंत्र जाप करने के बाद उसने पहले काली धागे की गुच्छी उठाकर मुर्गे की गर्दन पर बांधकर मंत्र पढ़ा, फिर चाकू उठाया और खच की आवाज के साथ मुर्गे की गर्दन उसके शरीर से अलग कर दी। उसने उस मुर्गे की गर्दन को एक कलश में रखा और उसे जमीन में गाड़ दिया, फिर उसके बाकी के शरीर को हाथ में उठाकर घर की तरफ चला गया। इस तरह से वो हर रात यक्षिणी की साधना कर रहा था और अब उसको 41वां दिन हो चुका था। आज उसको इतनी डरावनी आवाज सुनाई दी जितनी इससे पहले कभी नहीं सुनाई दी थी। और आज हवाएं इतनी तेज चल रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कुंड में लगी आग बुझ ही जाएगी। वो आंखें बंद करके तेज तेज मंत्र जाप करता रहा। दिवांश,
मेरे साधक आंखें खोलो। दीवान सिंह ने जब अपनी आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर उसकी सांसें जैसे रुक सी गई। उसकी आंखें सामने खड़ी उस औरत के पूरे बदन को निहार रही थी। इसको देखकर उसको ऐसा लग रहा था कि उसने आज तक जो भी औरत देखी थी उन सबसे ज्यादा खूबसूरत औरत को वो आज देख रहा है। उसने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी जिसका पल्लू हल्की चलती हवा में लहरा रहा था और उसका चमकता गोरा बदन इस साड़ी में संगमरमर जैसा लग रहा था। उसके बाल कमर तक लंबे थे, गुलाबी पतले होंठ और नीली आंखें। दीवांश उसकी खूबसूरती को ऊपर से नीचे तक निहार रहा था। इतने दिनों बाद अपनी बीवी रेणुका के बिना रहने के बाद इतनी खूबसूरत औरत उसके सामने खड़ी थी जिससे उसका पागल होना लाजमी था। वो दीवांश को देखकर मुस्कुराई और उसके करीब गई। क्या तुम? दीवांश ने आधा सवाल किया। मैं तुम्हारी यक्षिणी, उसने फुसफुसाती आवाज में कहा जो कि रात के सन्नाटे में बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही उसने अपना नाम लिया पेड़ के इर्द गिर्द हवा में कौवे इकट्ठे होकर कांव कांव करने लगे जिनकी आवाजों से दीवांश को थोड़ा होश आना शुरू हुआ। वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके ठीक सामने जाकर रुका। तुमने मेरी साधना इतनी मेहनत और लगन से की कि मुझे तुम्हारे पास आना ही पड़ा। सुनकर दीवांश खुश हो गया लेकिन फिर भी उसके मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था। मेरे साथ आओ, कहकर यक्षिणी पलटी जिसके पीछे से उसकी पतली कमर पर दीवांश की नजर पड़ी। जब वो मुस्कुराती हुई आगे चलने लगी तो दीवांश भी उसके पीछे पीछे हो लिया। यक्षिणी के कदम दीवांश के घर की तरफ ही बढ़ रहे थे जो कि शमशान से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही था। उसके पीछे पीछे बिना कुछ बोले दीवांश अपने घर तक चलता जा रहा था। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही दरवाजा अपने आप खुल गया और यक्षिणी अंदर चली गई। दीवांश भी उसके पीछे अंदर चला गया और यक्षिणी ने पलट कर उसकी तरफ देखा। आज से तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी होगी अगर तुम मेरी सिर्फ 3 शर्तें मानोगे तो। क्या है वो 3 शर्तें? इतनी भी क्या चलती है, फिलहाल इस वक्त तुम्हारी एक ही ख्वाहिश है जिसको मैं भी पूरा करना चाहती हूँ। कहकर वो मुस्कुराई जिससे दीवांश के दिल पर मानो 1000 छुरियां एक साथ चल पड़ी हो और फिर दीवांश के कमरे की तरफ वो चल गई। दीवांश भी पीछे पीछे कमरे में चला गया। वो भूल चुका था कि उसकी कोई बीवी भी है और सीधा जाकर यक्षिणी के गले लग गया। अगली सुबह 6 बजे तक दीवांश की आंखें खुली तो वो अपने बेड पर अकेला लेटा हुआ था। अरे वो कहां गई? क्या वो सपना था? तभी उसके कानों में एक मधुर आवाज की फुसफुसाहट हुई। इतना क्यों बेचैन होते हो दीवांश? अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कहकर यक्षिणी सामने आई जिसको देखकर वो बेड से उठ खड़ा हुआ। मेरी पहली शर्त, अब से मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी रहूंगी तुम्हारी बीवी की तरह। दूसरी शर्त, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी और बदले में तुम मेरे साथ रोजाना रात को शराब पियोगे और मांस खाओगे।
तीसरी शर्त, मेरे अलावा मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी अगर तुम किसी और स्त्री के करीब जाओगे। ये सुनकर दिवांश ने कुछ भी नहीं सोचा। उसके मन की लालच ने उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज बदल दिए। और मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में पैसे की बिल्कुल भी कमी ना रहे, और ये सिर्फ एक रात में हो जाए, जैसे 2 साल पहले मेरे दोस्त रोनित के साथ हुआ था। उसके हिस्से में उसके पुरखों की हवेली आई और उस हवेली के गार्डन में उसको गुप्त धन मिला, लाखों का सोना, जिसका असली मूल्य उसको भी नहीं पता। ऐसा ही होगा साधक, कहकर वो गायब हो गई और वक्त आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे 10 बज चुके थे और दिवांश के मोबाइल पर बॉस का कॉल आ रहा था। आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था, इसलिए उसने मोबाइल उठाया और कॉल कट करके तकिए के पास रख दिया। उसकी आंखों के आगे यक्षिणी का अक्स बार बार आ रहा था। उसको इंतजार था कि आखिर वो कहां गई है और कब वापस आएगी। इसी तरह इसका इंतजार करते करते सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से शाम। अब देवांश के सब्र का बांध टूटने लगा था। उसने टिक टिक करती घड़ी की तरफ देखा तो रात के 9 बज चुके थे। उसने फ्रिज खोला, उसमें रखी शराब की बोतल निकाली, फिर एक घूंट भरकर ऊंची आवाज में बोला, यक्षिणी कहाँ हो तुम, यक्षिणी। और यहां दिवांश का दोस्त रोनित अपने कमरे में बेड पर बैठा हुआ लैपटॉप पर गनफायर चैनल की हॉरर स्टोरी देख रहा था। तभी उसके कानों में एक मोहक हंसी की आवाज गूंजी। उसने उठकर लैपटॉप का साउंड म्यूट किया, लेकिन वह आवाज दोबारा उसके कानों में गूंजी और इस बार उसने उसका नाम भी पुकारा। रोनित कैसे हो? वो बेड से उठ खड़ा हुआ और इधर उधर देखते हुए बोला, कौन है? तभी फटाक से उसके कमरे का दरवाजा खुला और उसको सामने खड़ी हुई यक्षिणी नजर आई, जिसको वो देखता ही रह गया। जी, आप कौन है? यक्षिणी धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ आई और बिल्कुल करीब आकर बोली, बस आपसे मुलाकात करने की ख्वाहिश रखने वालों में से एक। सुनकर रोनित के माथे पर सलवटें आ गई और वो बोला, मुझसे मिलने की ख्वाहिश करने वाले बहुत है क्या? जी हाँ, आपको शायद पता नहीं, पूरे गांव में आपसे न जाने कितनी लड़कियां मिलना चाहती हैं। आप इस गांव के सबसे अमीर आदमी जो ठहरे। ये सुनकर रोनित मुस्कुराया और बोला, वो तो है। फिर रोनित ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसको अपनी तरफ खींचा। उनकी नजरें एक दूसरे से मिली ने देखा कि उसकी आंखों का रंग बदल कर लाल हो चुका है। वो अचानक से उससे अलग हुआ और अपने बेड पर गिर गया। कौन हो तुम? कोई बचाओ, कोई बचाओ, उसने ऊंची आवाज में कहा, लेकिन उसकी आवाज उसके कमरे के बाहर तक भी ना पहुंच सकी। यक्षिणी भयानक अंदाज में मुस्कुराई और फिर उसका चेहरा इतना डरावना हो गया कि रोहित की चीख निकल आई, मैं यक्षिणी हूँ, यक्षिणी। यक्षिणी ने जैसे ही ये कहा, उसके दांत भेड़िए के जैसे लंबे हो गए और रोहित सोच भी नहीं पाया था कि वो आगे क्या करे। इससे पहले ही यक्षिणी उसके सीने पर बैठ गई और फिर उसने उसकी गर्दन पर उसके तेज दांत गाड़ डाले। रोनित चिल्ला रहा और उसकी गर्दन से उसके शरीर का सारा खून यक्षिणी के जिस्म में उतरता चला गया।
उसका सारा खून पीने के बाद जब उसका शरीर ढीला पड़ गया तो यक्षिणी ने उसे छोड़ दिया। जब उसने ऊपर मुंह किया तो उसके होठों से खून टपक रहा था, आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। वह जोर से चिल्लाई, यक्षिणी! दिवांश ने फिर से घड़ी की तरफ देखा तो अब 9:40 हो चुके थे। इस टाइम वो बेड पर बैठा हुआ था, उसके सामने 2 गिलासों में शराब रखी थी और उनके साथ प्लेट में चिकन रखा हुआ था। ये उसने यक्षिणी के साथ खाने पीने के लिए तैयार कर रखा था। वो अपने मुंह से कुछ बोलता, इससे पहले ही उसके कान में फुसफुसाहट हुई। साधक, तुमने जो काम दिया था उसी को पूरा करने गई थी। फिर यक्षिणी उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसके हाथ में लकड़ी का एक बक्सा था जिसको देखकर दिवांश की आंखें फटी की फटी रह गई। यक्षिणी मुस्कुराई और वो बक्सा जमीन पर रखकर बोली, देख लो तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हुई है या नहीं। इतना सुनते ही दिवांश ने खड़े होकर उस बक्से को जमीन से उठाया और बेड पर रखकर उसको खोला। बक्सा पूरा का पूरा जेवरातों से भरा हुआ था। जब दिवांश ने उनको देखा तो उसका मुंह खोला का खोला रह गया। उसकी आंखों में जेवरातों की चमक नजर आ रही थी। अब मेरे पास अपार धन आ चुका है, अब मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। यक्षिणी भी उसको देखकर मुस्कुराई और उसने शराब के दोनों गिलास अपने हाथ में उठाए और एक गिलास दिवांश के मुंह में लगा दिया। दिवांश ने भी उस गिलास को पकड़ा जिससे यक्षिणी का हाथ दिवांश के हाथ से टच हुआ। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और यक्षिणी की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते हुए वो भी शराब की घूंटे भरने लगा। फिर यक्षिणी ने चिकन की प्लेट से लेग पीस उठाया और उसमें बड़ी ही बेसब्री से 2-3 मुंह मारने के बाद वो दिवांश के मुंह की तरफ बढ़ाई। दिवांश ने भी उसका जूठा चिकन खाने में कोई आपत्ति नहीं दिखाई। अगले दिन दिवांश ने अपने घर को नई नई चीजों से भरना शुरू कर दिया। जो भी चीज वो अपने घर में जाता था सब कुछ खरीद कर पूरे दिन लाता रहा और रात को उसने अपने लिए एक कार भी खरीद ली। जब कार से उतरकर उसने जमीन पर कदम रखा तो उसको रेणुका की याद आई। उसने चाहा कि वो उसको कॉल करके अपनी खुशी बांटे, लेकिन फिर उसको यक्षिणी की शर्तें याद आई और उसने अपने कदम घर की तरफ बढ़ा दिए। 1 महीना गुजर चुका था और दिवांश अपनी जिंदगी पूरे ऐशो आराम के साथ गुजार रहा था। दूसरी तरफ रेणुका अपने कमरे में बैठी दिवांश के बारे में ही सोच रही थी। अब उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसके दिमाग में आ चुका था कि साथ फेरे लेने का मतलब है पति पत्नी दुख और सुख दोनों में एक दूसरे का साथ दें। और अब उसको दिवांश की चिंता भी हो रही थी क्योंकि महीनों से उसके पास ना तो दिवांश की कॉल आई थी और ना ही कोई मैसेज। कुछ दिनों बाद रक्षाबंधन था। दिवांश अपने कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजा। पर अपनी बहन ज्योति की कॉल आती देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान छलक आई। दिवांश ने कॉल रिसीव की और बात करने लगा। हेलो ज्योति। हेलो भैया, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ मेरी प्यारी बहन, तुम कैसी हो? आप तो मुझे एकदम ही भूल गए हैं भैया, ना कॉल ना मैसेज। अरे ऐसा नहीं है, बस तुम्हारी भाभी से झगड़ा हो गया था इसलिए माइंड थोड़ा डिस्टर्ब था।
भाभी से आपका झगड़ा हुआ और आपने मुझे बताया भी नहीं। ये सुनकर देवांश ने ज्योति को अपने और रेणुका के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर ज्योति बोली, आप फिकर मत कीजिए भैया, रक्षाबंधन पर मैं आपके घर आ रही हूँ और फिर मेरे साथ भाभी के घर चलना, मैं उनको समझाऊंगी। ये सुनकर देवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोला, हाँ मेरी प्यारी बहन, मेरा भी तुमसे मिलने का मन है। इतना कहकर उसने थोड़ी देर और ज्योति से बात की और फिर कॉल कट कर दिया। फिर उसको याद आया कि उसने रोनित से भी कई दिनों से बात नहीं की है। जब रोनित को केस जीतने पर हवेली और गुप्तधन मिला था तो उसने सबसे पहले देवांश को ही बताया था। यह सोचकर उसने रोनित का नंबर लगा दिया। जब कॉल उठी तो दूसरी तरफ से रोनित के पापा की आवाज आई, हेलो अंकल, मैं देवांश बोल रहा हूँ, क्या मेरी बात रोनित से करवा सकते हैं? दूसरी तरफ से बड़ी गंभीर आवाज सुनाई दी, बेटा तुमको पता नहीं कि उसकी मौत हो चुकी है? सुनकर देवांश एकदम से चौंक पड़ा। क्या क्या क्या, क्या कहा अंकल आपने? ये सब कब हुआ? एक महीना हो चुका है। रोनित की लाश उसके कमरे में ऐसी हालत में पाई गई कि उसके शरीर में नाम को भी खून नहीं बचा था और घर में रखा सारा सोना भी गायब था। यह सुनकर देवांश का माथा टनका और उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। उसको अपनी कही हुई बात याद आई जो उसने यक्षिणी से कही थी, और मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में पैसे की बिल्कुल भी कमी ना रहे और ये सिर्फ एक रात में हो जाए, जैसे 2 साल पहले मेरे दोस्त रोनित के साथ हुआ था। उसने ध्यान दिया कि जो जेवरात उसको यक्षिणी ने लाकर दिए थे वो भी बहुत पुराने समय के लग रहे थे। क्या हुआ साधक, किस सोच में डूबे हुए हो? अचानक से उसके सामने यक्षिणी प्रकट हुई। उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट थी। जो सोने के जेवरात तुमने मुझे लाकर दिए थे वो तुम कहां से लाई थी? तुम्हारी ही ख्वाहिश थी कि तुम्हारी जिंदगी एक रात में तुम्हारे दोस्त रौनित की तरह बदल जाए, इसलिए वो सारा सोना मैं उसी के यहां से ले आई थी। ये सुनकर देवांश के होंठ कांपने लगे और उसने कहा, इसका मतलब है कि रौनित को तुमने मार डाला सिर्फ मेरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए? कोई जिए या मरे, मुझे तो बस तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने से मतलब है। इतना कहकर यक्ष ने उसको गले से लगा लेती है। देवांश को ये बात जानकर बहुत बुरा लगता है कि उसकी ख्वाहिश की वजह से ही उसके दोस्त रोनित की मौत हुई। 2 दिन बाद रात की ठीक 11 बजे जिस वक्त देवांश यक्षिणी के साथ बैठा मांस खा रहा था, उसके कानों में डोरबेल की आवाज सुनाई दी। सुनते ही वो उठ खड़ा हुआ और कमरे से निकलकर मेन डोर को खोला तो सामने उसकी बहन ज्योति खड़ी थी। ओ मेरे प्यारे भैया, कहते हुए ज्योति ने अपने भाई को गले लगा लिया। दोनों भाई बहन इतने दिनों के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, इसलिए देवांश ने भी अपनी प्यारी बहन को गले से लगा लिया। यक्षिणी को यह बात पता चल गई और उसको गुस्सा आने लगा। देवांश और ज्योति हॉल में बैठकर आपस में बातें करने लगे। इतनी लेट कैसे हो गई तुम, और मुझे बताया क्यों नहीं तुम आ रही हो? मैं लेने के लिए आ जाता। भैया मैं आपको सरप्राइज करना चाहती थी, इसलिए तो नहीं बताया। दोनों ने बैठकर तकरीबन 11:30 बजे तक बात की। अब ज्योति के सोने का वक्त हो चुका था। देवांश ने ज्योति को एक कमरे में ठहराया और फिर खुद भी अपने कमरे में पहुंच गया जहां यक्षिणी बैठी हुई नजर आ रही थी। तुम इतने गुस्से में क्यों दिख रही हो? तुम मेरी शर्त के बारे में भूल गए हो। शर्त? कौन सी शर्त? मेरे अलावा किसी और स्त्री के करीब भी नहीं जाओगी। सुनकर देवांश डर गया और बोला,
मैं किसी स्त्री के करीब नहीं गया, वो मेरी छोटी बहन है, क्या मैं उससे भी नहीं मिलूंगा? मिल सकते हो, लेकिन उसने तुम्हें गले कैसे लगाया? वो मेरी बहन है, क्या एक भाई अपनी बहन को गले नहीं लगा सकता? मैं यक्षिणी हूँ और एक यक्षिणी का साधक उसके सिवाय किसी भी स्त्री को गले तक नहीं लगा सकता। सुनकर दिवांश बेहद डर गया और हाथ जोड़कर बोला, तुम उसको कुछ मत करना, मैं कल राखी बंधवाते ही उसको यहाँ से भेज दूंगा। सुनकर यक्षिणी आगे कुछ नहीं बोली और दिवांश के बराबर में लेट गई। दिवांश ने समझा कि वो मान गई है और वो भी अपनी आंखें बंद करके सो गया। सुबह दिवांश के कानों में एक बर्तन के बजने की आवाज आई तो उसकी आंखें खुली। उसने देखा कि यक्षिणी उसके सामने खड़ी है और जो आवाज उसे सुनाई दी थी वो एक खाने की डिश थी जिस पर ढक्कन रखा हुआ था और उसके साइड में खून टपक रहा था। उस डिश को टेबल पर रखने की आवाज से ही उसकी आंखें खुली थी। क्या है इसमें? खुद ही देख लीजिए। नहीं! और यक्षिणी जोर जोर से हंसते हुए ऊंचे स्वर में चीखते हुए कहती है, तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हारी यक्षिणी, यक्षिणी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। रेलवे ट्रैक पर एक ट्रेन तेज की रफ्तार से दौड़ रही थी। उसी ट्रेन में एक आदमी बैठा हुआ था जिसकी गोद में उसकी पालतू बिल्ली सो रही थी। उस आदमी के सामने वाली सीट पर बैठी रेणुका बड़ी देर से उस बिल्ली को देखे जा रही थी। और बाकी के सभी पैसेंजर सो रहे थे। अब वो आदमी भी नोटिस कर रहा था कि ये औरत बड़ी देर से मेरी बिल्ली को ही देख रही है, शायद इसको कैट्स अच्छे लगते हैं। वो अपनी सीट से खड़ा हुआ और रेणुका से बोला, अगर बुरा ना माने तो मेरे वापस आने तक मेरी कैट को अपने पास रख लेंगी, मुझे वॉशरूम से होकर आना है। इस पर रेणुका मुस्कुराई और बोली, जी क्यों नहीं, वैसे भी ये बहुत प्यारी है। सुनकर वो आदमी मुस्कुराया और उसने रेणुका को अपनी बिल्ली थमा दी। फिर वॉशरूम की तरफ चला गया। रेणुका ने बिल्ली को अपनी गोद में रखा और उसको सहलाने लगी। वापस आकर उस आदमी ने देखा कि रेणुका अपनी जगह पर नहीं है और उसकी बिल्ली भी गायब है। वो डर गया और बोगी में इधर उधर देखने लगा। जब वो गेट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि रेणुका जमीन पर बैठी हुई है और उसका चेहरा बाहर गेट की तरफ है। आप यहाँ क्या कर रही हो? मेरी कैट कहाँ है? सुनकर जैसे ही रेणुका ने उसकी तरफ मुंह किया वो आदमी चौंक पड़ा। रेणुका उसकी बिल्ली को मार चुकी थी और उसका कच्चा मांस खा रही थी। तू एक चुड़ैल है, उस आदमी ने डरते हुए कहा और वहां से भागकर शोर मचाने ही वाला था कि रेणुका ने उसकी टांग पकड़ी और फिर खड़ी होकर उसको गेट के बाहर धक्का दे दिया। फिर भयानक आवाज में बोली, देवांश तुम्हारी रेणुका वापस आ रही है एक नए रूप में। अगली रात 10 बजे 4 बार डोरबेल की आवाज सुनकर जैसे ही दिवांश ने दरवाजा खोला उसने देखा कि सामने रेणुका खड़ी है। महीनों बाद वो अपनी प्यारी बीवी रेणुका को देख रहा था। उसको देखकर दिवांश को खुशी भी महसूस हो रही थी, लेकिन वो गुनाह भी याद आ गया जो उसने रेणुका की गैरहाजिरी में किया था। यक्षिणी को सिद्ध करके उसने बहुत बड़ी गलती की थी और यक्षिणी की शर्ती थी कि दिवांश अगर किसी स्त्री के करीब गया तो वो स्त्री को मार देगी और अगर अपनी जुबान से यक्षिणी का राज खोला तो भी सुनने वाली की मौत तय है। रेणुका दिवांश को गुस्से से घूरते हुए बोली, इतने दिनों से आपने मुझसे फोन पर भी बात नहीं की, ये जानते हुए कि मैं आपसे नाराज हूँ,
आपने मुझे मनाना भी जरूरी नहीं समझा। दिवांश का मन तो हो रहा था कि रेणुका को गले लगाए और अपना सारा हाल कह सुनाए, लेकिन वो इस तरह से फंस चुका था कि कुछ कह भी नहीं सकता था। मुझे माफ कर दो रेणु, मैं बस तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। रेणुका समझ रही थी कि दिवांश कुछ कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहा। तुम कमरे में चलकर आराम करो रेणु, बातें तो बाद में भी होती रहेगी। कहते हुए दिवांश ने रेणुका का लगेज उठाया और उसके कमरे की तरफ लेकर चल दिया। रेणुका हॉल में रुककर अपने घर को देखने लगी, क्योंकि महीनों बाद वो वापस आई थी। दिवांश के कानों में जैसे ही यक्षिणी की आवाज गूंजी, वो एकदम से डर गया और पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि यक्षिणी खड़ी हुई मुस्कुरा रही है। तुम्हें अपनी बीवी को आते ही यहाँ से भगा देना चाहिए था, अब उसकी जान कभी भी जा सकती है। सुनकर दिवांश डर गया और बोला, प्लीज उसकी कोई गलती नहीं है, उसको कुछ मत करना। उसकी गलती है कि वो तुम्हारी पत्नी है, एक साधक की पत्नी, यक्षिणी ने कहा और हंसते हुए वहां से गायब हो गई। ये देखकर दिवांश डर गया और भागकर हॉल में गया। उसको लगा कहीं यक्षिणी रेणुका पर हमला तो नहीं कर रही, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि रेणुका हॉल में आराम से बैठी थी और यक्षिणी ठीक उसके पीछे खड़ी थी। रेणुका ने एक नजर से दिवांश की तरफ देखा और फिर अपनी जगह से उठकर कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद यक्षिणी दिवांश से बोली, जिस दिन ये तुम्हारे करीब आई वो इसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कहकर वो गायब हो गई और दिवांश के कमरे में पहुंच गई। अब दिवांश ने देखा कि जिस जगह पर रेणुका बैठी हुई थी वहां एक लेटर फोल्ड किया हुआ रखा है। वह सोफे के पास गया और उस लेटर को उठाया, उस पर रेणुका की हैंडराइटिंग देखी तो वह बैठकर उसको पढ़ने लगा। दिवांश, मेरे पीठ पीछे तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ मैं जानती हूँ। यक्षिणी लिखा हुआ कुछ भी नहीं पढ़ सकती है, इसीलिए मैं तुमको ये लिख कर दे रही हूँ। ज्योति ने मुझे कॉल पर बात करके बताया था कि उसने तुम्हारे कमरे में यक्षिणी सिद्ध करने की किताब रखी देखी, और ये भी बताया कि रात को उसने तुम्हारे रूम में किसी औरत की आवाज भी सुनी थी जिससे तुम ज्योति की जान बख्श देने की भीख मांग रहे थे। ये सुनकर मैं समझ गई कि तुमने यक्षिणी को सिद्ध कर लिया है, जिसको मारना नामुमकिन है और छुटकारा पाना भी बहुत मुश्किल है। मजबूर होकर मैंने रक्त पिशाचनी साधना शुरू की और अब मैं उसकी आधी सिद्धि प्राप्त कर चुकी हूँ। यक्षिणी को सिर्फ साधक की पत्नी के द्वारा पूर्णमासी की रात को ही मारा जा सकता है। अगली पूर्णमासी को या तो वो जिंदा रहेगी या फिर मैं। अगर मैं हारने वाली हुई तो मेरे पास सिर्फ एक रास्ता बचेगा, और वो क्या होगा ये तुमको कल की रात ही पता चलेगा। इस लेटर को पढ़ने के बाद दिवांश को अंदाजा हुआ कि रेणुका उससे कितना प्यार करती है, और बीवी की कमी सिर्फ बीवी ही पूरी कर सकती है, कोई यक्षिणी नहीं। अगले दिन दोनों ने एक दूसरे से कोई बात नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि यक्षिणी सब कुछ सुन और देख रही है। रात के 12 बजते ही दिवांश के कमरे में रेणुका गई और फिर अंदर से दरवाजा बंद करके उसके पास चली गई। तभी कमरे के बाहर यक्षिणी प्रकट हुई और फिर दरवाजे की तरफ मुस्कुराकर देखने लगी। वह अंदर नहीं गई क्योंकि वह यही चाहती थी कि दोनों करीब आए और फिर उसको रेणुका को मारने का मौका मिल जाए। तकरीबन 1 घंटे बाद जब दरवाजा खोला तो सामने उसको रेणुका नजर आई। यक्षिणी तेजी से अंदर गई और रेणुका का गला पकड़ लिया। ये देखकर दिवांश डर गया और रेणुका को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। अब यक्षिणी रेणुका को भी नजर आ रही थी। यक्षिणी ने रेणुका को एक तरफ धक्का दे दिया और दिवांश को भी कमरे से बाहर ढकेल दिया। फिर उसने कमरे को अंदर से बंद कर दिया और रेणुका पर झपटी। रेणुका के हाथ में इस वक्त एक चाकू था।
जो उसने पहले से ही कमरे में रखा था। यक्षिणी ने चिल्लाते हुए अपने नाखूनों से रेणुका के चेहरे पर हमला किया और रेणुका के चेहरे से खून आने लगा। उसने भी चाकू का एक वार यक्षिणी के हाथ पर किया तो उसके हाथ से खून निकलने लगा। यह देखकर यक्षिणी की हंसी रुक गई और वो बोली, मेरे शरीर से खून कैसे आया? ये नहीं हो सकता। आज पूर्णमासी की रात है और इस रात तुम मेरे हाथों मारी जा सकती है। कहते हुए रेणुका उस पर झपटी और दोबारा से उस पर वार किया। इस बार यक्षिणी के कंधे पर चाकू लगा और उसके कंधे से खून निकलकर जमीन पर टपकने लगा। बाहर से दीवांश दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसको डर था कहीं वो रेणुका को आज खो ना दे। यक्षिणी बहुत गुस्से में थी। उसने रेणुका का हाथ पकड़कर मोड़ा और उसके हाथ से चाकू छूट कर नीचे गिर गया। अब यक्षिणी ने भयानक हंसी हंसते हुए अपना मुंह खोला तो उसके बड़े बड़े दांत निकल आए। उसने रेणुका को कस के पकड़ा और उसकी गर्दन पर दांत गड़ाकर उसका खून पीने लगी। थोड़ी देर में एक जोरदार चीख के साथ रेणुका का शरीर हिला कर और वो जमीन पर गिर पड़ी। दीवान जैसे ही दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि रेणुका जमीन पर पड़ी है और यक्षिणी उसको देखकर हंस रही है। ये देखो देवांश, इसको लगता था कि रक्त पिशाचनी बनकर मुझे आज रात मार देगी। कहते हुए वो देवांश के गले लग गई। देवांश के पैरों तले जमीन निकल चुकी थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने देखा कि रेणुका रेंगती रेंगती उस तरफ जा रही है जहाँ जमीन पर यक्षिणी का खून पड़ा हुआ है। जब रेणुका उसके खून के पास पहुंच गई तो बोली, तुझे मारकर अपने पति को तुझसे नहीं बचा सकी तो क्या हुआ, तेरे जैसी बनकर तो बचा सकती हूँ ना। कहते हुए रेणुका उसका जमीन पर पड़ा हुआ खून चाटने लगी। यह देखकर यक्षिणी चिल्लाई और रेणुका पर झपट पड़ी। रेणुका की आंखें बंद हो गई और शरीर ने हरकत करना भी बंद कर दिया। यह देखकर देवांश रो पड़ा और समझ गया कि उसने रेणुका को खो दिया है। लेकिन अगले ही पल रेणुका की आंखें खुली और वो जमीन से उठ खड़ी हुई। रेणुका की आंखें लाल हो चुकी थी और उसके दांत भी अब यक्षिणी के जैसे खतरनाक दिखने लगे थे। रेणुका यक्षिणी पर झपटी और उसने उसकी गर्दन पर दांत गाड़ दिए। यक्षिणी चिल्लाने लगी और भयानक चीख के साथ उसने अपना दम तोड़ दिया। रेणुका ने उसको जमीन पर पटक मारा और फिर देवांश की तरफ पलट कर बोली, आज से तुम हो मेरे साधक और मैं हूँ तुम्हारी यक्षिणी। आज वो यक्षिणी देवांश की जिंदगी से जा चुकी है लेकिन रेणुका अब खुद एक यक्षिणी बन चुकी है। एक आवाज करते हुए दरवाजा खुला और उसको सामने खड़ी रेणुका नजर आई। उसने काली साड़ी पहनी हुई थी और माथे पर भी एक काली बारीक सी बिंदिया लगा रखी थी। उसके बाल खुले हवा में लहरा रहे थे। वो धीरे धीरे मुस्कुराती हुई देवांश के करीब आई और बोली, उस दिन से आज तक आपका खाने पीने पर कोई ध्यान नहीं है, क्या वो आपको याद आ रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो कुछ भी था बहुत खौफनाक था। लेकिन तुमको ये क्या हो गया है? तुम इस तरह से कभी तैयार नहीं होती थी। सुनकर रेणुका उसके करीब आई और मुस्कुराकर बोली, आपको वो इस अवतार में अच्छी लगती थी, क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? नहीं, मेरे दिल में तुम्हारी जगह अब कोई नहीं ले सकता। कहकर देवांश ने उसकी कमर में हाथ डाला और उसको अपने करीब खींच लिया। सुबह देवांश की आंख उसके मोबाइल की रिंग की आवाज से खुली। उसने कॉल रिसीव किया और बात करने लगा। हेलो देवांश भैया। हेलो भैया, मैं सुमित बोल रहा हूँ, ज्योति का कॉलेज फ्रेंड। शायद उसने मेरे बारे में आपको बताया होगा। नहीं, उसने बताया तो नहीं। एक्चुअली उसका प्लान था कि मैं उसके साथ आपसे आकर मिलूं, लेकिन मैं नहीं आ पाया। शायद वो गुस्सा है इसलिए कई दिनों से मेरी कॉल नहीं ले रही है।
इसलिए मुझे डायरेक्टली आपको कॉल करना पड़ा। ये सुनकर दिवांश समझ गया कि ज्योति का मोबाइल घर में ही कहीं पड़ा होगा, लेकिन अब इसको क्या बोले। तभी रेणुका ने पीछे से दिवांश के हाथ से मोबाइल छीन लिया और बात करने लगी। इडियट, मेरा मोबाइल घर में ही कहीं खो गया है। मैं नाराज नहीं हूँ, तुम आ रहे हो तो आ जाओ, लेकिन मैं आज मेरे बचपन की फ्रेंड के घर जा रही हूँ, वहाँ से कल वापस आऊंगी। दिवांश ये देखकर हैरान था कि रेणुका बिल्कुल ज्योति की आवाज में बात कर रही है, लेकिन रेणुका के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। अरे तुम नहीं होगी तो मैं भैया भाभी से कैसे मिलूंगा? मेरे भैया भाभी कोई घोस्ट नहीं है, तुम यहाँ आकर रुको, कल मैं वापस आ ही जाऊंगी। कहकर रेणुका ने कॉल कट कर दिया। वो आज यहाँ आ जाएगा, फिर जब कल ज्योति वापस नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे? सुनकर रेणुका ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा और बोली, वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, अब मैं पहले जैसी नहीं रही। रात को सुमित देवांश के घर पहुंचा। रेणुका ने उसको हॉल में बिठाया और फिर तीनों ने बैठकर बातें की। रेणुका के बात करने का अंदाज भी अब बदलकर बिल्कुल यक्षिणी के जैसा ही हो चुका था, जिसको देवांश नोटिस कर पा रहा था। काफी देर बात करने के बाद रेणुका ने खाने में चिकन बनाया और फिर डिनर के बाद सुमित को एक कमरे में ठहरा दिया। हेलो, अबे सुमित कमीने, पहुंच गया ससुराल? और ज्योति भाभी कैसी है? अभी भाभी कहाँ हो गई बे, वो तो शादी के बाद बनेगी। अच्छा, ये बता कि घर कितना बड़ा है, पार्टी बड़ी है या छोटी? अबे यार क्या बताऊं, बहुत बड़ा घर है और जरूरत की हर चीज है यहाँ, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा। फिर तो तेरी लॉटरी लग गई यार, कुछ ऐसी सेटिंग बैठा कि शादी के बाद तू भी वहीं शिफ्ट हो जाए। ज्योति की जो भाभी है ना, क्या बताऊं यार, बड़ा की खूबसूरत है, उससे ज्यादा तो उन पर दिल आ रहा है। कमीने, ऐसा कर भाभी को ही पटा ले, वैसे भी बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति का मर्डर करने वाले केस बहुत बढ़ने लगे हैं इंडिया में। सच बताओ तो उनके देखने का अंदाज तो यही कहता है कि बात बन सकती है, एकदम कातिलाना नजरें हैं। वेरी गुड, बस तू तो अपनी सेटिंग उनसे ही कर ले, फिर ज्योति से शादी के बाद वो खुद तुझे वहां रोकने की सेटिंग कर लेगी। ये सुमित नॉनवेज कितने शौक से खा रहा था ना? क्या मतलब? सुनकर रेणुका मुस्कुराई और बोली, नॉनवेज खाने वालों का खून बहुत गर्म होता है। सुनकर दिवांश को अजीब लगा, लेकिन वो उसको ठोक नहीं सकता था क्योंकि रेणुका में आए इस बदलाव का जिम्मेदार वो खुद को ही मानने लगा था। अभी सुमित अपने कमरे में लेटा हुआ गन फायर स्टोरीज देख रहा था कि किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। उसने उठकर दरवाजा खोला तो रेणुका सामने खड़ी थी। उसको 2 बजे दरवाजे पर खड़ा देखकर सुमित डर गया। अंदर नहीं बुलाओगे? जब रेणुका ने मुस्कुराते हुए कहा तो उसकी जान में जान आई। जी जी क्यों नहीं, अंदर आइए ना। कहकर उसने पूरा दरवाजा खोल दिया और फिर रेणुका उसके पास बैठकर बातें करने लगी। मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी थी। जी कहिए ना। अगर देवांश और मैं तुमको ज्योति के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, तुम शादी के बाद उसको कहाँ रखोगे? मैं सच बताऊँ तो उसको आप लोगों से दूर नहीं करना चाहता, इसलिए सोच रहा हूँ कि इसे शहर में शिफ्ट कर लेंगे। इसका मतलब तुम इसी घर में रहना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, सुमित ने हड़बड़ाते हुए कहा। लेकिन रेणुका मुस्कुराई और बोली, तुम ये कह सकते हो कि आपकी वजह से इसी घर में रुकने का मन करने लगा है। ये सुनकर सुमित को अपनी चाल कामयाब होते हुए नजर आने लगी। अब आपने डायरेक्टली बोल ही दिया है तो सच बताऊं, आपकी अदाओं के आगे ज्योति कुछ भी नहीं है, आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है। सुनकर रेणुका ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और बोली, अभी तुमने मुझे ठीक से देखा ही कहा है। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लगे और कुछ ही सेकंड्स के अंदर रेणुका की आंखें लाल अंगारों जैसी चमकने लगी, जिनको देखकर सुमित अचानक से डरा और पीछे हट गया।
रेणुका ने भयानक हंसी हंसते हुए अपना हाथ उठाया जिसके काले काले नाखून अब लंबे नुकीले हो चुके थे। उसने दो उंगलियां उसकी आंख में मारी। ऐसा करने से उसकी एक आंख फूट गई और दर्द से चीख निकल पड़ी। रेणुका ने देर ना करते हुए उसकी दूसरी आंख में भी उंगली मारकर उसको अंधा कर दिया। उसकी दर्दनाक चीख जब अपने कमरे में सो रहे दीवांश के कान तक पहुंची तो उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि कमरे में वो अकेला सोया हुआ है, तो वो तेजी से उठकर बाहर निकला। जब उसने सुमित के कमरे का दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए और मुंह खुला का खुला रह गया। उसने देखा कि बेड पर सुमित अंधी हालत में मरा पड़ा है और रेणुका उसकी गर्दन में मुंह मारकर उसका मांस खा रही है। देवांश का कलेजा इस वक्त मुंह को आ चुका था। वो उल्टे पैरों से चलता हुआ पीछे हुआ और फिर मुड़कर कमरे में गया। उसने वही किताब निकाली जिसको पढ़कर उसने कभी यक्षिणी को सिद्ध किया था। उसने पढ़ा कि यक्षिणी से अगर छुटकारा पाना है तो एक विधि करनी पड़ेगी। एक मटकी दही पर हनुमान चालीसा पढ़कर उस मटकी पर फूंक मारनी पड़ेगी। उसके बाद वो दही चालीसा के मंत्र की शक्ति पा लेगी। फिर उसी दही का एक गोल घेरा बनाकर साधक को उसके बीचों बीच बैठ कर ओम यक्ष देवाय नमो का जाप करना पड़ेगा। यक्षिणी उस वक्त साधक को रोकने की कोशिश करेगी लेकिन घेरे के अंदर नहीं आ सकेगी। फिर जब यक्ष लोक का दरवाजा खुलेगा तो उस वक्त यक्षिणी से हासिल हुई सब चीजें साधक को खत्म करनी पड़ेगी। उसके बाद यक्षदेव यक्षिणी को उस दरवाजे के जरिए वापस बुला लेंगे और वो दरवाजा बंद हो जाएगा। ये पढ़कर उसने चारों तरफ देखा। आखिर घर में जो भी चीज मौजूद थी वो यक्षिणी की ही तो देन थी। मैं ये सब खत्म कर दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपने आप को ही खत्म क्यों ना करना पड़े, कहकर देवांश सीधा किचन में गया और उसने फ्रिज से दही निकाली। ऐसा करते हुए उसकी नजर गैस पर गई तो उसने स्टोव ऑन किया। फिर उस दही को मटकी में डालकर उस पर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बार बार फूंक मारने लगा। पूरा हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उसने उसी दही से वहां एक गोल घेरा बनाया और उसके बीचों बीच बैठकर ओम यक्ष देवाय नमो का जाप करने लगा। उसकी आवाज सुनकर रेणुका वहां पहुंची और चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसका पैर दही की उस सरहद पर पहुंचा वो दूर जा गिरी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसको धक्का दिया हो। उसने देखा कि वो किताब भी देवांश के सामने रखी है। देवांश को रोकने के लिए उसने किचन में रखी एक एक चीज उसको मारने के लिए उसकी तरफ फेंकना शुरू किया, लेकिन देवांश आंखें बंद किए मंत्र जाप करता रहा। जो भी चीज उसके शरीर को छूती उसे चोट आती, लेकिन वो अपनी जुबान नहीं रोकता। अब उसके शरीर से जगह जगह से खून आने लगा था और वो लहूलुहान हो चुका था। वो घेरे के अंदर नहीं आ सकती थी, इसलिए अभी भी कोई ना कोई चीज देवांश पर फेंक रही थी। घंटों की विधि के बाद यक्ष लोक का दरवाजा खुला। हे यक्ष देव, आज तक जो भी मैंने यक्षिणी से पाया है उसको खत्म कर रहा हूँ, आप यक्षिणी को वापस बुला लीजिए। तभी एक भारी आवाज फिजा में गूंजी। सब कुछ खत्म करना होगा, अगर एक भी चीज बची रही तो यक्षिणी से तुम छुटकारा नहीं पा सकते। इतना सुनकर देवांश अपनी जगह से खड़ा हुआ और रेणुका चीख पुकार करने लगी। वह इसे इंतजार में थी कि कब वो उस घेरे से बाहर आएगा और वो उसको रोकने के लिए उस पर हमला कर देगी। लेकिन देवांश ने उसी टाइम अपनी पॉकेट से सिगरेट लाइटर निकाला। अभी तक स्टोव से निकलता गैस पूरे घर में फैल चुका था। देवांश ने आंखें बंद करके एक बार पुरानी रेणुका को याद किया और लाइटर जलाकर गैस सिलेंडर की तरफ फेंक दिया। ऐसा करते ही एक जोरदार धमाका हुआ जिसमें सब जलकर खाक हो गया। दीवांश भी उसी धमाके के साथ खत्म हो गया और वो किताब धमाके के साथ उड़कर खिड़की से बाहर जा गिरी। रेणुका एक तरफ पड़ी तड़प रही थी और उसके चारों ओर सिर्फ आग ही आग थी।
तभी यक्षिणोप के दरवाजे से एक रोशनी निकलती हुई नजर आई और इनका को उसने ऊपर खींच लिया। उसके ऊपर जाते ही दरवाजा वहाँ से गायब हो गया। मैं वापस जरूर आऊंगी। रेणुका की आवाज गूंजती है। कुछ दिन बाद रात 10 बजे। मैट, साली क्या जिंदगी है, कुछ भी अच्छा नहीं है, लानत है ऐसी जिंदगी पर। एक आदमी अकेला बड़बड़ाता हुआ वहां से गुजर रहा था, तभी उसके पैर से कुछ चीज टकराई। उसने उठकर देखा तो वो वही किताब थी जिस पर लिखा था, आपके सपनों को साकार करने आ रही है यक्षिणी। 41 रातों की साधना के बाद यक्षिणी मयंक के सामने खड़ी थी, जिसको देखकर वो बहुत खुश हुआ और ऊपर से नीचे तक उसके खूबसूरत रूप को निहारने लगा। मेरे साधक, आज से ये खूबसूरत बला हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करेगी, बदले में सिर्फ इतना कि तुम मेरे अलावा किसी और स्त्री के करीब भी नहीं जाओगे, और अगर कोशिश भी की तो उस स्त्री को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मुझे मंजूर है, वैसे भी मेरी गरीबी की वजह से कोई स्त्री मेरे करीब नहीं आती, तो मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है। तो बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है। मैं तो बस वही पाना चाहता हूँ जो मेरा खुद का है, और लालची लोगों की तरह दूसरों का माल मुझे नहीं चाहिए। मुझे साफ साफ बताओ क्या चाहते हो तुम। मेरे डैडी शहर के टॉप बिजनेसमैन में से एक थे, पिछले साल उनका देहांत हो गया। मरने से पहले उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी हम 3 भाई बहनों के नाम कर दी थी, लेकिन महेश भैया ने उनके वकील को पैसे खिलाकर एक नकली वसीयत बनवाई, जिसके हिसाब से सारी प्रॉपर्टी के मालिक वो बन गए। मुझे मेरी बहन रश्मि के साथ घर से निकालकर खुद ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगे। मैंने उनसे मदद मांगी तो उन्होंने मेरी ही कंपनी में मुझे प्यून रख लिया और मुझे मजबूर होकर उनकी बात माननी पड़ी। इतना सुनकर यक्षिणी ने मयंक के होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोली, आज से तुम्हारी परेशानी के दिन हमेशा हमेशा के लिए खत्म है। कहकर यक्षिणी ने उसको गले से लगा लिया और उसकी कमर पर अपना हाथ फिराने लगे। फिर उसको कामुक नजरों से देखकर मुस्कुराई और उसके कमर पर हाथ रखते हुए शरारती अंदाज में उसको जमीन पर धक्का दे दिया। फिर अगले ही पल उसकी बहुत ज्यादा करीब चली गई। सुबह 5 बजे जब रश्मि सोकर उठी तो अपने भैया को बिस्तर पर ना देखकर परेशान हो गई। सुबह के 9 बज चुके थे और मयंक अभी तक घर नहीं आया था। रश्मि के पास मोबाइल तक नहीं था, जो कि वो अपने भाई को कॉल करके उसकी लोकेशन पूछती, इसलिए उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई और चारा ना था। एक और घंटा गुजर जाने के बाद जब मयंक घर आया तो उसको देखकर रश्मि सुकून की सांस ली। भैया आप कहाँ गए थे, रात में ऐसा कौन सा काम आ गया था जो आपने मुझे बताकर जाना भी ठीक नहीं समझा। वो उसके करीब जाने ही वाली थी कि मयंक ने उसको रोकते हुए कहा, पास मत आना। लेकिन भैया आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या हो गया है आपको। सॉरी रश्मि, रात को महेश भैया की अचानक तबीयत बिगड़ गई थी और उन्होंने रात में ही मुझे अपने घर देखभाल के लिए बुला लिया। तुम परेशान ना हो इसलिए मैं तुमको इन्फॉर्म करने यहाँ आया था। तुम खाना वगैरह टाइम पर कर लेना, मैं वापस अब उनके पास जा रहा हूँ। इतना कहकर मयंक वहां से दोबारा निकल गया। रश्मि को उसका ये बर्ताव काफी अजीब लगा, लेकिन वो उसके सुने बिना ही वहां से निकल गया। असल में महेश की तबीयत यक्षिणी ने ही खराब की थी और मयंक का उसके घर पर जाकर रुकना भी उसी के प्लान का हिस्सा था। वैसे तो घर में उनका पुराना नौकर भी मौजूद था, लेकिन फिर भी अपनी देखभाल करवाने के लिए महेश ने मयंक को ही अपने साथ रखना ठीक समझा। महेश ने मयंक को रात के टाइम भी घर जाने नहीं दिया और उसको हॉल में रुकने के लिए बोल दिया। मयंक ने मजबूर होकर उसकी बात मान ली और वहीं रुक गया।
रात को तकरीबन 12 बजे के टाइम महेश को महसूस हुआ कि कोई उसके चेहरे पर हाथ फेर रहा है। उसने एकदम से अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने नीली साड़ी पहने हुए एक खूबसूरत लड़की खड़ी है। वो उठा और उससे पूछने लगा, आप कौन है और मयंक कहाँ है? यक्षिणी मुस्कुराई और बोली, मेरा नाम नीलिमा है, रमेश की होने वाली मंगेतर। वो हॉल में सो रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा था, इसीलिए उन्होंने मुझे भी यहाँ अपने साथ रुकने के लिए बुलाया था। अगर वो सो रहा है तो तुम उसको बिना बताए यहाँ किस लिए आई हो? सच बताऊं तो मयंक से मैंने रिश्ता सिर्फ इसलिए बनाया था कि आपसे मेरा कांटेक्ट हो जाए, वरना उसके पास ऐसा क्या है जो कोई लड़की उससे रिश्ता रखेगी। तो दूर क्यों हो, पास आओ ना, कहकर महेश ने यक्षिणी का हाथ पकड़ा और उसको अपने ऊपर खींच लिया। यक्षिणी ने उसके हाथ को चुमा और बोली, लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है, ऐसे में मेरे प्यार का एक डोज आपकी दवाई से कहीं ज्यादा फायदेमंद होगा। कहकर उसका चेहरा बिल्कुल महेश के करीब चला गया और वो दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस करने लगे। मयंक हॉल में सोफे पर सो रहा था। उसको इस बात की जरा भी खबर नहीं थी कि महेश के साथ क्या हो रहा है। यक्षिणी अंदर पूरे आधे घंटे तक रही और इस बीच रूम की लाइट्स लगातार जल और बुझ रही थी, लेकिन महेश का इस पर जरा भी ध्यान नहीं था। वो बस यक्षिणी से प्यार करने में मशगूल था। कुछ समय बाद अचानक से कमरे की लाइट्स जली और वो एक दूसरे से अलग हो गए। तुमने सच कहा था जान, ऐसा लगता है मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। सुनकर यक्षिणी मुस्कुराई और बोली, अच्छा जरा उठने की कोशिश कीजिए। सुनकर महेश मुस्कुराया और उठने की कोशिश करने लगा। उसको ये बहुत अजीब लगा कि उठना तो दूर, वो अपने हाथ पैर भी नहीं चला पा रहा था। ये क्या हो रहा है? मेरा सिर्फ एक हाथ चल रहा है, बाकी पूरा शरीर कुछ नहीं काम कर रहा। ये सुनकर यक्षिणी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, क्योंकि इसी हाथ से तू अपनी तकदीर लिखने वाला है। बस इतना ही कहना था कि यक्षिणी अपने डरावने अवतार में आ गई। लाल आंखें, लंबे लंबे दांत, जिसको देखकर वो डर कर चिल्लाने लगा, हेल्प हेल्प मयंक, मुझे बचाओ, हेल्प। कोई नहीं आने वाला यहाँ, अब ये पेपर पेन उठा और जो कहती हूँ लिख, वरना अभी इसी कमरे में तेरी समाधि बन जाएगी और तू अपनी दौलत का एक रुपया भी खर्च करने लायक नहीं बचेगा। सुनकर वो बेहद डर गया और जो जो यक्षिणी ने बताया वो सब उस पेपर पर लिखता चला गया। अब से तेरा चलना फिरना और बोलना भी बंद, सिर्फ बेड पर पड़े पड़े अपनी आखिरी सांसें गिनता रहेगा। सुबह जब मयंक जागा तो सबसे पहले महेश के रूम में गया। वहां उसने देखा कि महेश की आंखें खुली हुई है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा है और ना ही उसके हाथ पैर कुछ हरकत कर रहे हैं। भैया भैया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे आपकी तबीयत कैसी है अब? सुनकर भी महेश ने कोई जवाब नहीं दिया और टुकुर टुकुर उसको देखता रहा। मयंक की नजर टेबल पर रखे बेड पर पड़ी तो वो उसको उठाकर पढ़ने लगा। महेश भरद्वाज अपनी बिगड़ती हुई हालत को देखते हुए ये फैसला लेता हूँ कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता मेरी कंपनी का मालिक मेरा भाई मयंक भरद्वाज रहेगा, और अगर मैं कभी ठीक नहीं हो पाया या मर गया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी का मालिक मेरा भाई मयंक ही होगा। है
ये पढ़कर मयंक को समझ आ गया कि यह यक्षिणी का ही खेल है, लेकिन जिस भाई ने कभी उसके साथ अच्छा नहीं किया, उसकी बुरी हालत देखकर उस पर दया करना उसको भी ठीक नहीं लगा। मयंक उस पेपर को लेकर वकील से मिला और फिर उसको कोर्ट से रजिस्टर करवा लिया। शाम के टाइम एक कार मयंक के पुराने घर के बाहर आकर रुकी, जिसको देखकर रश्मि बाहर आ गई। उसने मयंक को बैठा हुआ देखकर वो बहुत खुश हुई और करीब जाकर बोली, भैया ये तो महेश भैया की कार है ना, ये आपके पास कैसे आई? अरे महेश भैया को अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब उन्होंने हम दोनों को वापस घर बुलाया है। सुनकर वो बहुत खुश हुई और उसने जैसे ही कार का दरवाजा खोलना चाहा तो वो खोला ही नहीं। अरे भैया इस दरवाजे को लॉक क्यों किया हुआ है, मुझे नहीं बैठा होगी क्या? अरे नहीं रश्मि, तुम पीछे वाली सीट पर बैठ जाओ, इस सीट पर नहीं। रश्मि को ये बात अजीब लगी कि भैया ने उसको फिर से पास आने से रोका, लेकिन फिर भी वो बिना कोई सवाल किए पीछे वाली सीट पर बैठ गई। यक्षिणी की शर्त के हिसाब से अगर रश्मि खुशी से मयंक के गले लग जाती तो उसकी मौत तय थी। यही सोचकर मयंक अपनी बहन को खुशी से गले लगाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता था। मयंक ड्राइव करने लगा और फिर रश्मि और वो अपने आलिशान घर में वापस आ गए। बड़े से डाइनिंग हॉल में बैठकर दोनों ने डिनर किया। घर का पुराना नौकर उनको उस घर में देखकर बहुत खुश हुआ। डिनर करते टाइम मयंक को उसके सामने यक्षिणी खड़ी नजर आई, जो अपने चेहरे पर खूबसूरत मुस्कान लिए हुए थी और उसको पीछे आने का इशारा करके एक कमरे की तरफ जा रही थी। मयंक भी अपनी आंखों में चमक लिए अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? कहते हुए रश्मि उसका हाथ पकड़ने वाली थी, लेकिन वो एकदम से पीछे हट गया और बोला, मैं बहुत थक चुका हूँ इसलिए सोने जा रहा हूँ, तुम भी डिनर करके जो कमरा सही लगे उसमें स्टे कर लेना, बाकी बातें कल करते हैं। कहकर वो भी उस कमरे की तरफ चला गया। रश्मि को उसका बर्ताव अजीब तो लगने लगा था, लेकिन जिंदगी में आए इतने बड़े बदलाव को देखते हुए उसने इसे इग्नोर करना ही ठीक समझा। जब मयंक उस कमरे में पहुंचा तो यक्षिणी बेड पर लेटी उसका इंतजार कर रही थी। उसने मुस्कुराते हुए मयंक का हाथ पकड़ा और अपने करीब खींच लिया। अब मयंक की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, जितना उसका हक बनता था उससे ज्यादा उसको मिल चुका था। दूसरी तरफ महेश की हालत बिगड़ती जा रही थी। उसके सेक्रेटरी दिव्या जो उससे चिपकी रहती थी उसने भी उसके पास जाना छोड़ दिया था और अब वो मयंक पर अपने डोरे डालना शुरू कर चुकी थी। एक हफ्ते के अंदर महेश की हालत गंभीर होती चली गई और उसकी मौत हो गई। अब मयंक की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी और सब कुछ उसके हिसाब से सेट हो चुका था। अब सिर्फ मन चाहे शादी उसकी यही ख्वाहिश रह गई थी। उस रात जब यक्षिणी मयंक से प्यार करने के इरादे से उसके करीब गई तो उसने उसको रोक लिया। क्या हुआ, मुझे इस तरह पीछे हटाने की हिम्मत कैसे हुई? यक्षिणी तुमने जो कुछ भी आज तक मुझे दिया उसका मैं बहुत आभारी हूँ, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम अब मेरी जिंदगी से चली जाओ। मेरी शर्त क्या थी ये भूल गए क्या तुम? नहीं, याद है कि मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता, लेकिन उससे पहले एक शर्त ये भी है कि तुमसे मैं जो भी मांगूंगा वो देने से तुम इनकार भी नहीं कर सकती। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी ख्वाहिश है कि अब यक्षिणी मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। ये सरासर धोखेबाजी है मयंक, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारा साधक हूँ, तुम अपने साधक की ख्वाहिश पूरी किए बिना नहीं रह सकती। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी जिंदगी से चली जाओ हमेशा हमेशा के लिए। जैसे ही मयंक ने ये कहना शुरू किया यक्षिणी ने अपने कानों पर हाथ रख लिए और भयानक आवाज में चिल्लाने लगी। कमरे में लगी खिड़कियों के शीशे भी उसकी आवाज से अपने आप झटकने लगे और कमरे के अंदर तूफानी हवाएं चलने लगी, लेकिन मयंक लगातार ये बोलता रहा और वो बराबर चिल्लाती रही।
फिर अचानक उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकली। तुमने मेरे साथ वही धोखा किया है जैसा कि तुम्हारे भाई महेश ने तुम्हारे साथ किया था। अब मुझे तुम्हारी जिंदगी से जाना ही होगा। कहकर वो चिल्लाने लगी। फिर धीरे धीरे उसका अस्तित्व खत्म होने लगा और वो वहां से गायब हो गई। तूफानी हवाएं बंद हो गई और सब कुछ एकदम शांत हो गया। तब मयंक ने सुकून की एक ठंडी सांस ली। मयंक ने एक हफ्ते से यक्षिणी को नहीं देखा था और अब उसको पक्का यकीन हो गया था कि उसकी ये तरकीब काम कर चुकी है। इस एक हफ्ते में दिव्या भी उसके करीब आती जाती रही थी। उस दिन वो ऑफिस के बाद दिव्या को अपने घर ले गया और फिर उसको रश्मि से मिलवाया। तीनों ने साथ बैठकर डिनर किया और हमेशा की तरह रश्मि 10 बजे तक अपने कमरे में पहुंच गए। फिर मयंक दिव्या को अपने कमरे में ले गया और दोनों बैठकर बातें करने लगे। सर, सच बताऊं तो महेश सर से मैं जरा भी खुश नहीं थी। वो तो बस अपनी पैसों की प्रॉब्लम दूर करने के लिए उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा था। कोई बात नहीं, अब से तुमको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। अगले महीने मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। ओह माय गॉड, सच्ची? बिल्कुल। सुनकर दिव्या बहुत खुश हुई और मयंक के गले लग गई। मयंक ने उसके गाल को चुमा और कस के गले लगा लिया। दिव्या ने हाथ बढ़ाकर लैंप की लाइट बंद कर दी और फिर दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। सुबह 5 बजे यक्षिणी की हंसी की आवाज सुनकर मयंक की आंख खुली। यक्षिणी को सामने खड़ा देखकर मयंक बेहद डर गया। उसकी भयानक हंसी सुनकर दिव्या जाग गई और उसका डरावना अवतार देखकर चीख मारने लगी। तुम वापस कैसे आई? यक्षिणी का साधक अगर एक वचन तोड़ दे तो यक्षिणी भी अपना वचन तोड़कर उससे बंधन मुक्त हो जाती है। इसके साथ संभोग करके तुमने मुझसे किया वचन तोड़ दिया है, इसीलिए अब मैं वापस आई हूँ। कहकर वो दिव्या पर झपटी और उसके ऊपर बैठकर उसके चेहरे पर अपने तेज नाखूनों के 2-3 वार किए। दिव्या दर्द से चिल्लाने लगी और मयंक तब तक ही लगातार सिर्फ देखता रह गया। फिर उसने अपना एक पंजा दिव्या के सीने में घुसेड़ दिया और उसका दिल निकाल लिया। ये देखकर मयंक की चीख निकल गई और दिव्या उसी टाइम खत्म हो गई। यक्षिणी हंसते हुए उसके दिल को चबड़ चबड़ करके खाने लगी और मजे लेने लगी। आज से मैं तुम्हारी बीवी की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। उन्हीं शर्तों के साथ आज से तुम हो मेरे पति और साधक और मैं हूं तुम्हारी यक्षिणी। हा 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 ह